लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिले के वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जिले के भाजपा युवा मोर्चा के तत्वाधान में आज वृक्षारोपण कार्यक्रम का आज माड़ा थाना प्रांगण रेस्ट हाउस रजमिलान के शासकीय जमीन पर खुटार में गांव हरा भरा कराए जाने हेतु गांव के विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तत्पश्चात माड़ा के रेस्ट हाउस में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में 25 सितंबर को वृहद वृक्षारोपण कराए जाने हेतु चर्चा की गई, जिसमें रीवा जिले के सिंगरौली जिला प्रभारी युवा मोर्चा प्रभारी सूर्य प्रताप तिवारी, संभाग मीडिया प्रभारी कपिल प्यासी, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह परमार, उपाध्यक्ष धर्म वर्मा माड़ा, जिला उपाध्यक्ष ज्योति शंकर पांडे, जिला मीडिया प्रभारी सोनू शाह, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह उर्फ बौड़म सिंह, माड़ा मंडल अध्यक्ष प्रवेश सिंह, मंडल अध्यक्ष खुटार अमितेश तिवारी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कौन सा कार्यक्रम है अभी हम लोग का? 11 तारीख से वृक्षारोपण पूरे मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। उस अभियान में मैं भी आज खुटार मंडल में गया, वहाँ वृक्षारोपण किया जी। फिर इसके बाद रजमिलान मंडल में गया, वहाँ भी वृक्षारोपण किया जी। अब माड़ा रजमिलान में वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा, गांधी जयंती तक। शुभ नाम आपका? राजेंद्र कुमार सिंह और जिलाध्यक्ष बाजुमो सिंगरौली मध्य प्रदेश। धन्यवाद सर। सिंगरौली में जो पौधारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए आप यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, कब से आए हैं सिंगरौली आप? निश्चित तौर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश लगातार अपना अभियान लेके, हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान लेके, हम 11 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 3 चरणों में बृहद वृक्षारोपण अभियान को लेकर काम करने वाले हैं। हमारा पहला चरण 11 से 17 सितंबर तक, कल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर विभिन्न मंडलों पे हमने वृक्षारोपण अभियान किया, रक्तदान का कार्यक्रम भी किया। अब 18 से 25 सितंबर हम वृक्षारोपण अभियान के दूसरे चरण पे काम कर रहे हैं। उसके बाद 26 से 2 अक्टूबर हमारा तीसरा चरण होगा। विभिन्न चरणों के माध्यम से हम पूरे मध्य प्रदेश में 75 लाख वृक्षारोपण अभियान का एक बृहद वृक्षारोपण अभियान हमने अपने हाथ में लिया। निश्चित तौर पर सिंगरौली जिले के हमारे जो 16 मंडल हैं, इन सभी मंडलों में हम वृक्षारोपण अभियान करने वाले हैं। अभी मैं परसों सिंगरौली ज़िले के प्रवास पर रहा और मेरे साथ राजेंद्र जी, लगातार हम लोग विभिन्न मंडलों में जाके और हमारे मंडल के जिस प्रकार से मुझे मंडल के हर एक कार्यकर्ताओं में वृक्षारोपण अभियान के निमित्त उत्साह देखने को मिल रहा है, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता युवा मोर्चा इस अभियान को बहुत सफलतम रूप में और बहुत अच्छे तरीके से, पूरी सफल कार्यक्रम की दृष्टिगोचर जो मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। इसके लिए निश्चित तौर पर राजेंद्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी मैं देता हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिला बहुत अच्छे तरीके से करेगा। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के सिंगरौली जिले के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आशा और विश्वास है कि जब हम पर्यावरण संतुलन की बात करते हैं, जब हम समाज में एक सकारात्मक माहौल की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा समाज हित के लिए भी काम करता है, ये कहने में मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसके निमित्त तो मुझे अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार जी को भी बहुत बहुत आभार करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा अभियान हम सबको दिया कि हम सब समाज के लिए, समाज में जा सके इस ऐसे सकारात्मक विषय को लेके जिसमें हमारा समाज सारा पूरा हमारे साथ है। और ये मुझे कहने पे गर्व होता है कि हम सिर्फ राजनीति नहीं करते, समाज हित के लिए काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा समाज हित के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इसके लिए मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद देता हूँ ऐसे सफल कार्यक्रम और आयोजन के लिए। निश्चित तौर पर राजेंद्र जी और राजेंद्र जी की पूरी टीम को पुनः शुभकामनाएं। सूर्य प्रताप तिवारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा।